नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो लीजिए दोस्तों, परीक्षा से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। आपका सवाल यदि है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और अपना उत्तर पा सकते हैं। कैसे मुख्य पृष्ठ को भरना है, वो एम आर शीट कैसे भरना है, वो भी हम जो है एक वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो फिलहाल तो अभी तैयारी आपको करनी है कि आपकी आंसर शीट जो है रेडी हो जाए, आपको किस पे बनाना है, क्या करना है, उसका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आप कैसे भरना है उसको देख लेंगे। इसीलिए ये वीडियो पहले लेके आए हैं कि परीक्षा से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब। आपके बहुत सारे कमेंट मैंने कल के वीडियो में देखे हैं, मैं आप लोगों को आंसर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इस वीडियो के द्वारा मैं उस कमेंट को पढ़कर जो है आपका आंसर भी कर दूँगा। इससे पहले सबसे पहले मैं उस नोटिफिकेशन पर जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं अपने से देना चाह रहा हूं, उसमें समझाना चाह रहा हूं, तो उसे मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं, फिर लाइन से आपके सवालों पर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो कल इंफॉर्मेशन आया हुआ है कि परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, तो इसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा सा कि जो 32 पेज लिखा हुआ है, अधिकतम 32 पेज का उपयोग करना है। तो 32 पेज जो होगा वो आगे पीछे दोनों साइड करके होगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें 16 से 20 पेज होता है जिसमें आगे पीछे करके 40 पेज हो जाता था, ठीक है। तो ये अधिकतम टोटल जो बोला है यहाँ पर 32 पेज का। एक विद्यार्थी ने पूछा कि न्यूनतम कितना होगा, तो न्यूनतम इसमें बात ये नहीं है, आप सवाल नहीं बना पा रही हैं तो एक पेज भी काफ़ी है, तो वो है ऐसा है। तो अधिकतम 32 पेज का उपयोग कर सकते हैं आप। कौन से पेज का यूज़ करेंगे हम अभी आगे वीडियो में देखने वाले हैं कैसे करना है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी A4 आकार का कागज़ अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर, कहने का मतलब ये है यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है कि फोटोकॉपी वाला A4 पेपर जो होता है उसी का यूज़ किया जाए या तो फिर किसी का। तो कहना यहाँ पर मेरा यह है कि A4 साइज होना चाहिए उसका, A4 साइज़ होना चाहिए, उसके बाद वो कॉपी का पेज हो चाहे आपका फोटोकॉपी पेपर वाला पेज हो, है ना, तो दोनों चल जाएगा। अब बात यह आती है कि उसको जो है लाइनिंग वाला यूज़ करना है कि ब्लैंक पेपर यूज़ करना है। तो आप इस पूरे विस्तृत रूप से इस PDF को पढ़ेंगे तो कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं किया गया है कि लाइनिंग पेपर यूज़ करना है कि ब्लैंक पेपर यूज़ करना है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि ब्लैंक होगा कि लाइनिंग होगा, लेकिन फिर भी आप एकदम कंफर्म होना चाहते हैं तो आपको महाविद्यालय से अपने कॉलेज से एक बार पूछ लेना होगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से लाइनिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैंक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि जो प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल वाला जो पेपर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं क्या? A4 साइज का होता है वो पेपर, लेकिन याद रखिएगा उसके केवल सिंगल साइड ही लाइन बना होता है। तो आप 32 पेज उसको अलग ऐसे कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। प्रोजेक्ट फाइल का यूज़ करेंगे तो उसमें जो प्रोजेक्ट फाइल वाला जो पेज होता है उसमें चारों ओर बॉर्डर बना होता है और बीच में लाइनिंग होती है, तो आंसर शीट जो होगा वो आपका छोटा हो जाएगा। ऐसे में 32 पेज ये ना हो कि आपको बाद में कम पड़ जाए आंसर शीट लेने के लिए, ठीक है, आंसर शीट में लिखने के लिए कहीं कम ना पड़ जाए, तो उसे आप आवश्यकता अनुसार अपना यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से वो बॉर्डर दिया रहता है और उसमें लाइनिंग छोटी हो जाती है, आप जब लिखेंगे आंसर तो वो कम कम आएगा, तो ऐसा हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर उसको आवश्यकता अनुसार उपयोग करके स्टेपल और टैग कर सकते हैं, और लास्ट में जो है पंचिंग करके आप धागा भी बांध सकते हैं। ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद उसकी कवर पृष्ठ की बात करें तो कवर पृष्ठ आपको डाउनलोड कर लेना है। कल मैंने लिंक दिया था, उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो वो मैं लिंक सुधार कर दिया हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप जाकर वेबसाइट में जाएँ यूनिवर्सिटी के और वहाँ से भी कवर पृष्ठ को डाउनलोड कर सकते हैं। कवर पृष्ठ को कैसे भरना है उसको उसके वीडियो हम जो है अलग एक वीडियो में बात करेंगे। कवर पृष्ठ जो है आपको भरना है A4 साइज पेपर में, ठीक है, आप जो प्रिंट आउट निकालेंगे तो A4 साइज के पेपर में निकालेंगे, और अगर प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते हैं तो आप पेन से भी उसे बना सकते हैं, पेन से बना सकते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। अब जिन लोगों ने उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर ली है वो क्या करेंगे, तो जिन लोगों ने उत्तर पुस्तिका OMR शीट वाली प्राप्त कर ली है वो OMR शीट को भरेंगे और आंसर उसमें पूरा करना है आपको। इसके लिए फिर आपको अलग से कोई भी मुख्य पृष्ठ को डाउनलोड करके लगाने की आवश्यकता नहीं है,
आप उसी आंसर शीट का यूज़ करेंगे, आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। OMR शीट को कैसे भरना है सिर्फ इतना ही आपको जानना है, बाकी सब वही रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि परीक्षार्थी अपनी अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद 5 दिवस के अंदर समस्त परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ बंद लिफाफा में परीक्षा केंद्रों में स्पीड पोस्ट, डाक, कोरियर अथवा ईमेल के माध्यम से भेजेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि आपको क्या करना है, रोज़ रोज़ मेल नहीं करना है, ना ही रोज़ रोज़ आपको स्पीड पोस्ट करना है। जब आपकी परीक्षा जब भी ख़त्म हो, चाहे वो 25 को ख़त्म हो, चाहे 28 को ख़त्म हो, चाहे 10 अक्टूबर को ख़त्म हो, जब भी ख़त्म हो, उसके बाद आपकी जो लास्ट परीक्षा होगी उसके समाप्त होने के 5 दिवस के अंदर पूरे आंसर शीट को एक साथ लिफाफा में बंद कीजिएगा और उसके बाद जाकर आप स्पीड पोस्ट जो कि आपके डाक ऑफिस से होता है वो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या तो डाक कर सकते हैं, या तो कोरियर कर सकते हैं, या इन तीनों के अलावा ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। लेकिन जो ईमेल के माध्यम से भेजना चाहेगा उसके लिए रूल नीचे में फिर एक आ जाता है कि जो ईमेल से प्रेषित उत्तर पुस्तिका होगी उसकी हार्ड कॉपी को परीक्षार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्र में डाक से भेजना अनिवार्य है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम क्या डायरेक्ट कॉलेज जाकर सबमिट कर सकते हैं, तो भाई इसका आंसर ये है कि डायरेक्ट कॉलेज में आप आंसर शीट लेने गए थे वहीं तो प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए तो ये व्यवस्था बनाई गई है। आप किसी भी स्थिति में कॉलेज आपको जाना नहीं है, ये चीज़ें मतलब हटाने के लिए ही तो ये व्यवस्था की गई है। आपको किसी भी स्थिति में कॉलेज नहीं जाना है। आप जो भी कांटेक्ट करके अपना इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं वो कॉलेज से कॉल में, मैसेज में, मेल के थ्रू पाइए, आपको कॉलेज जाना ही नहीं है। ये पर्टिकुलर इसी पर बेस्ड ये जो है आपकी व्यवस्था की गई है। अगर आप कॉलेज जाकर जमा ही कर देते तो फिर ये व्यवस्था चेंज करने की ज़रूरत ही क्या थी, तो परेशानी यही है। तो आपके घर के बाजू में कॉलेज हो, चाहे वो 10 कदम में हो, आपको नहीं जाना है कॉलेज। आपको कहाँ से भेजना है, डाक से भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन तो ये दिया हुआ है कि स्पीड पोस्ट, डाक, कोरियर, ये तीनों, या तो फिर ईमेल। अब देखिए ईमेल करेंगे तो आपको डाक तो भेजना ही पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि भाई ईमेल भेजेंगे फिर डाक तो आपको भेजना ही होगा, उससे अच्छा डायरेक्ट डाक ही भेज दो ना, आप ईमेल भेजने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो इन तीनों में से स्पीड पोस्ट, डाक या कोरियर, तीनों में से कोई एक अथवा ईमेल, ठीक है, ये दोनों में से एक करना है। स्पीड पोस्ट, डाक और कोरियर तीनों एक ऑप्शन में आ गए, इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है, या तो फिर ईमेल। अगर ईमेल करेंगे तो डाक आपको भेजना ही है, तो भाई उससे अच्छे स्पीड पोस्ट, डाक या कोरियर कर दीजिए। स्पीड पोस्ट जो होता है वो डाक ऑफिस से ही होता है, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से करेंगे आप। स्पीड पोस्ट करने से क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी पहुंचता है डाक की अपेक्षा। तो स्पीड पोस्ट का वजन के हिसाब से आपका वहाँ पर चार्जेस लगेगा, 40 रुपये ऐसा कुछ लगता है स्पीड पोस्ट, जब आप नॉर्मल फोटोकॉपी वाला 15 पेज को यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से आपका वजन ज़्यादा हो जाएगा। आंसर शीट जब 4-5 रहेगा तो फिर ऐसे में तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। डाक से भेजेंगे तो डाक टिकट लेना है, चस्पा करना है आपको और उसके बाद भेज देना है, तो ये सस्ता पड़ेगा। कुरियर करेंगे तो कुरियर भी वजन के हिसाब से जाएगा, तो आपको पता है कुरियर तो ज़्यादा रेट लगता है। अब पैसा बचाने के लिए ईमेल करेंगे तो आखिर में आपको डाक भेजना ही है, इसीलिए मैं बोलूँ 5 दिन का समय दिया गया है, एग्ज़ाम ख़त्म हो और जाकर पोस्ट ऑफिस में डाक भेजिएगा। डाक भेजेंगे तो थोड़ा सा आपको सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि अभी आप कॉपी का पेज या तो फिर आप A4 साइज वाला फोटोकॉपी पेपर यूज़ करने वाले हैं, उसका भी खर्चा लगेगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकालने वाले हैं, जो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा पेन से बनाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो खर्चा हो रहा है। और फिर आप इसको स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको कैसे पता कि कौन से जगह पर भेजना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो भेजना है वो परीक्षा केंद्र के पते पर
अथवा ईमेल पर ही लिखित उत्तर पुस्तिका को प्रेषित करें। सेंड जो करना है आपको, प्रवेश पत्र देखिएगा आप अपना, उसमें एग्ज़ाम सेंटर लिखा हुआ है, उस एग्ज़ाम सेंटर के एड्रेस पर आपको भेजना है या तो उसके ईमेल पर। अब कई लोगों को ये नहीं पता है, अपने सिर्फ कॉलेज का नाम पता है और एड्रेस भी पता है, तो फुल एड्रेस नहीं पता है कि लिखते क्या हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वाला जो PDF है वो परीक्षार्थियों के लिए है। ये किसके लिए? परीक्षार्थियों के लिए। तो एक आपको मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से दे रहा हूँ कि कॉलेज को भी आदेशित किया गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू कि वे अपना फुल एड्रेस तथा ईमेल आईडी आप सभी स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पर सेंड करेंगे। समझ आ गया? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉलेज अपना एड्रेस, जो एग्ज़ाम सेंटर है बोल रहा हूँ, है ना, एग्ज़ाम सेंटर जो है अपना फुल एड्रेस साथ ही साथ अपना ईमेल एड्रेस, ये दोनों आपको टेक्स्ट, ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेगा, ताकि आप उसी एड्रेस पर या ईमेल पर अपना आंसर शीट को सेंड कर सकें। ये आदेशित किया गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू। ठीक है भाई, समझ आया आपको? तो ये चीज़ें हैं। स्पीड पोस्ट या डाक जैसे भी आप या कुरियर करेंगे, उसमें ये मेंशन करना आपको बहुत ज़रूरी है, अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर, नामांकन नंबर, उत्तर पुस्तिका की संख्या। कुछ लोगों ने पूछा कि पूरा आंसर शीट को एक ही लिफाफा में भेजना है या अलग अलग लिफाफा में। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप एक लिफाफा में पूरा आंसर शीट डाल सकते हैं तो एक साथ भेज दीजिए, और अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि अलग अलग आप भेजेंगे तो एक साथ तो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अलग अलग हो जाएगा वो, है ना। तो उसको क्या कर सकते हैं, एक साथ आप भेज सकते हैं एक ही लिफाफा में। तो उसका लिफाफा जो है A4 साइज के अनुसार होना चाहिए और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कारण ये कि जब आप 4-5 आंसर शीट डालेंगे तो एनवेलप जो है थोड़ा सा फैल जाएगा, तो फटे ना, इस कारण उसका ध्यान रखिएगा। अच्छे से उसको सिक्योर करके आप स्पीड पोस्ट, डाक, जो भी करना है आपको करिए। मेल रोज़ तो नहीं करना है, ये पूछा गया था प्रश्न इसमें, तो मेल रोज़ नहीं करना है। इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको जो है रोज़ रोज़ मेल करना है। इसीलिए यहाँ पर सुविधा आपको देने के लिए लिखा हुआ है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद 5 दिवस के अंदर आपको रोज़ डेली, वो जो 2 घंटे बाद जो भेजने वाला जो नियम था, वो वाले नियम हटा दिया गया है। परीक्षार्थी अपना अंतिम परीक्षा जब समाप्त हो जाएगी तब आपको 5 दिवस के अंदर भेजना है। तो आपको इसमें परेशानी जो था वो हटा दिया गया है। सिर्फ स्पीड पोस्ट कर सकते हैं कि नहीं और ईमेल की ज़रूरत तो नहीं है, ये प्रश्न भी किसी ने पूछा था। तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए 5 दिवस के अंदर, इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सब पेपर को आखिरी में एक साथ पोस्ट करना है या रोज़ करना है? तो एक साथ पोस्ट करना है भाई, वहाँ पर लिखा हुआ है समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ बंद लिफाफा में। ठीक है, मेल नहीं करना है आपको, क्लियर हो गया है। तो एक रोज़ रोज़ मेल करने वाला प्रॉब्लम ख़त्म, अच्छा रोज़ रोज़ जो है आंसर शीट भेजने वाला भी प्रॉब्लम ख़त्म, आपको डायरेक्ट एक साथ लास्ट में भेजना है, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपका प्रश्न था। अब जो कि है असाइनमेंट वाला है, उनको थोड़ा सा बारे में बता दे रहा हूँ, फिर आपके भी सवाल को लेंगे। ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि आपको पता है आपके सभी के आंसर मैं देने वाला हूँ इसमें। ठीक है, और कुछ के जो छूट जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो अब जल्द ही मतलब एकदम कल परसों वाली बात नहीं है, जल्द ही आ जाएगा। उसमें आपका OMR शीट कैसे भरना है और अपना सामने मुख्य पृष्ठ कैसे भरना है और कुछ के सवाल ऐसा। असाइनमेंट वाले का बता दूं मैं फटाफट यहाँ पर कि UG के जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और BPE के, यहाँ पर सेकेंड वाले में दिया हुआ है, देखिए UG के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हैं और BPE लास्ट ईयर वाले हैं, थर्ड ईयर वाले, इनको असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, ये रेगुलर की बात कर रही है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा वो असाइनमेंट, वो कॉलेज के थ्रू मिलेगा असाइनमेंट आपको, और यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगा। तो वो कैसे भेजेगा? मेल भेज सकता है आपको, नंबर पर व्हाट्सअप करा जा सकता है, तो ऐसा आपको कॉलेज के माध्यम से असाइनमेंट भेजे जाएगा। ठीक है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जो भी आपने रजिस्टर्ड करवाया है। कॉलेज से असाइनमेंट जो होगा वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आएगा। जो टाइम टेबल आया है वो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जैसा का तैसा है। उसमें जो आपका टाइमिंग लिखा हुआ है उसी टाइमिंग में परीक्षा होगी, उसी टाइमिंग में आपका असाइनमेंट होगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं 7 से 12 लिखा हुआ है और ये सब वैसा, तो टाइम टेबल में देखिए, टाइम टेबल में जो टाइम लिखा हुआ है उसी टाइम में आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको उसमें असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, और वो 2 घंटे वाला नियम था वो बस चेंज हुआ है कि आपको 2 घंटे बाद से सेंड नहीं करना है ऐसा।
ठीक है, आंसर शीट एग्ज़ाम सेंटर को सेंड करना है आपको, अपने कॉलेज को नहीं करना है, एग्ज़ाम सेंटर को करना है, क्योंकि कई का एग्ज़ाम सेंटर चेंज होता है और कई का उसी अपने कॉलेज में रहता है, तो वे अपने कॉलेज में भेजेंगे जिसका सेम रहता है, और जो जिसका एग्ज़ाम सेंटर चेंज है तो उस एग्ज़ाम सेंटर का नाम में सेंड करना है आपको। आपको कॉलेज किसी भी स्थिति में नहीं जाना है, जो भी सेंड करना है मेल, डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ये सब करवा के आपको करना है। A4 साइज का, A4 का साइज कितना होता है, 21x29.7 सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर में लिखा हूँ। अगर mm में बात करेंगे तो 210x297 mm ये पेज होना चाहिए, फिर आप किसी भी प्रकार की पेज की बात करें। अगर लाइनिंग वाले पेज की बात करेंगे तो वहाँ पर मार्जिन भी होगा, और अगर फोटोकॉपी वाले की बात करेंगे तो आप वहाँ पर तो मार्जिन नहीं होगा, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को ब्लैंक पेपर में बनता नहीं है तो वे ब्लैंक पेपर के जगह में लाइनिंग वाले पेपर का यूज़ कर लें, एक साइड आप यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे और फिर आप आंसर लिख लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। और अगर ब्लैंक वाले में लिखना है तो ब्लैंक में लिखिए, आगे पीछे लिखना है आपको कोई परेशानी नहीं है, आगे पीछे लिखिए, ऐसा करके टोटल 32 पेज होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और तो डिटेल यहाँ पर समझ में आ गया है, एग्ज़ाम किनका होना है, असाइनमेंट किनका होना है, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, साथ ही मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया है आप सभी को, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए आप लोगों का आप देख लेते हैं कि चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप सभी का कमेंट यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है, और फिर आपको इसमें डायरेक्ट मैं आंसर देते जा रहा हूँ। क्या ईमेल प्रत्येक प्रश्न के तुरंत बाद उसी दिन नहीं भेजना है, पूरी परीक्षा के बाद एक साथ प्रश्न पत्रों को एक साथ भेजना है, ठीक है, पूरा आंसर शीट को एक साथ भेजना है, लास्ट पेपर ख़त्म होगा उसके 5 दिन के बाद, 10 अक्टूबर को जैसे इनका ख़त्म हो रहा है तो 15 तारीख के अंदर भेजना है, बिल्कुल सही। ईमेल के संबंध में महाविद्यालय से संबंधित विभाग विवेक सिंह जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपको अभी भी डाउट लगता है कंफर्म होने वाला है तो आप अपने महाविद्यालय से संपर्क कर लीजिए, ये भी चल जाएगा ईमेल के संबंध में। लेकिन यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर ईमेल भेजना, स्पीड पोस्ट करना रोज़ रोज़, इसकी बातें नहीं की गई है। ईमेल देखिए, आप अगर डाक नहीं करना चाह रहे हैं, स्पीड पोस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, कुरियर नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप ईमेल के माध्यम से भेज दीजिए अपने एग्ज़ाम सेंटर को। लेकिन क्या है ना, एक रूल के बाद फिर अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट में ये लिख दिया गया है कि जो ईमेल से प्रेषित करेगा उसे डाक से भी हार्ड कॉपी को भेजनी है, तो उससे अच्छा डायरेक्ट आप हार्ड कॉपी को भेज दीजिए, ऐसा है ना। इसके बाद जो है नियम के हिसाब से तो ये सही है। इसके बाद आगे बात करें और किसका है, MA फर्स्ट ईयर प्राइवेट प्रीवियस के एग्ज़ाम होंगे कि असाइनमेंट मिलेगा, इसका आंसर मैंने वीडियो में बनाकर अलग से दे दिया हुआ है क्या करना है आपको, ठीक है। असाइनमेंट वाले जो हैं, प्राइवेट वालों का असाइनमेंट नहीं है, प्राइवेट वालों का एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम जब होगा आपका तो क्वेश्चन पेपर आपको ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी के जरिए, और आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो एड्रेस लिखना है वो जैसे इन्होंने कहा है करुणा रेड्डी का है कि उनका एग्ज़ाम सेंटर स्कूल ऑफ स्टडीज़ PTRSU रायपुर है। अब मैं कैसे उसमें एड्रेस लिखूं, तो इस कॉलेज के थ्रू आपको अभी उनका फुल एड्रेस और ईमेल आईडी डिटेल में आएगा, क्योंकि इनको आदेशित किया गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आप फिर उस एड्रेस को लिखेंगे, ठीक है। 32 पेज आगे पीछे करके है, 16 पेज फ्रंट फ्रंट का है, बैक साइड पीछे साइड को भी गिनेंगे तो 32 हो जाएगा। स्पीड पोस्ट करने के बाद ईमेल करना ज़रूरी नहीं है, स्पीड पोस्ट आप डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें अलग से नहीं लिखा है। फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो डायरेक्ट जाकर आप अपने कॉलेज से पूछ सकते हैं, जाकर नहीं मतलब कॉल में या जैसे भी, ठीक है। असाइनमेंट पूरे दिन बना सकते हैं और आंसर शीट अपने कॉलेज में जमा नहीं कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट कॉलेज में आपको अपने कॉलेज में जमा नहीं करना है, और जो असाइनमेंट है वो आपको कॉलेज के थ्रू आएगा और उस कॉलेज को ही आपको भेजना है, ठीक है, डायरेक्टली। और असाइनमेंट पूरे दिन बना सकते हैं प्रश्न पूछा गया है, तो असाइनमेंट कैसे पूरे दिन समझ नहीं आया, जो टाइम दिया गया है 3 आवर का उसी में आपको दिया जाएगा असाइनमेंट का क्वेश्चन, उसी ड्यूरेशन के बीच में, और उसके बाद आपको बनाना है। सबको एक ही लिफाफा में डालना है और शीट को ना मोड़ें, ये सही आंसर है। आपको क्या करना है,
आंसर शीट को मोड़ना नहीं है, ए फोर साइज का आ जाता है आपका लिफाफा, तो आप जाकर स्टेशनरी में ले सकते हैं, एक ही में आ जाएगा तो ऐसा ले लीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा ले लीजिएगा क्योंकि हो सकता है उसमें कोई परेशानी हो जाए, इसलिए एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, फिर लॉकडाउन होने वाला है इसीलिए, ठीक है। जो आंसर शीट यूज़ करेंगे वो ब्लैंक हो, वाइट पेपर या तो फिर लाइन वाला, तो दोनों चलेगा, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ए फोर साइज उसमें बोला गया है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार बोला है, तो आप कैसे आवश्यकता अनुसार कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद है रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम बोले हैं और पीजीडी से डीसीए का सब्जेक्ट में बैक लगा है, उनका ना तो एडमिट कार्ड आया है, बैक वालों का कुछ अभी डिटेल नहीं आया, अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा बोला है, लेकिन कुछ नहीं आया अभी तक, ठीक है। एक बार कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके पूछें, आंसर लिखेंगे वो ब्लैंक रहेगा कि लाइन, इसका मैंने आंसर दे दिया है आपको, ठीक है। आंसर शीट भेज ना है वो रोज़ भेजना है कि नहीं, तो रोज़ नहीं भेजना है आपको, एक साथ 5 दिवस के अंदर जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब भेजना है, ईमेल तुरंत नहीं करना है, इसी से निजात दिए लाया गया है आप लोगों को। सेंटर घर से थोड़ा से डिस्टेंस पर रहेगा तो भी से आपको स्पीड पोस्ट या डाक करना है आपको, ठीक है, जाकर नहीं करना है। रेगुलर वालों का फर्स्ट सेकेंड का कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा तब प्रमोशन होगा। एग्ज़ाम टाइम कितना होगा, 11 बजे या 9 बजे आपके टाइम टेबल पर देखिए, जो नंबर होगा जो टाइमिंग होगा उसी के बेस पे होगा। एग्जामिनेशन का टाइम सेम रहेगा, भूपेश जी सेकेंड ईयर प्राइवेट है तो एग्ज़ाम होगा, असाइनमेंट प्राइवेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आंसर शीट का डाउट है पेज कहाँ से लेंगे, तो भाई आप जाकर किसी भी दुकान में स्टेशनरी शॉप में जाकर ले सकते हैं, आंसर शीट के लिए A4 साइज का पेपर मिल जाता है। मेल 2 घंटे में नहीं करना है, उसका ऑप्शन हटा दिया गया है, सब पेपर को एक ही एनवेलप में डाल सकते हैं तो भेज दीजिए, या सेपरेट डालना है तो सेपरेट भी कर सकते हैं। ईमेल करना ज़रूरी नहीं है, डाक या पोस्ट कर देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ईमेल या पोस्ट करेंगे तो फिर पोस्ट करना पड़ेगा, ये रूल में दिया गया है। एक बार और कॉलेज से आप कन्फर्म कर सकते हैं, सब कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम, उसके बाद ही आपको पोस्ट करना है, ठीक है। एग्ज़ाम होगा उसके 5 दिवस के अंदर, लास्ट एग्ज़ाम के। रायपुर में लॉकडाउन रहेगा तो स्पीड पोस्ट करेगा क्या कोई, 25 से तो 28 तक तो सब बंद है, फिर कैसे होगा, 28 के बाद 2 दिन और बच जाता है, उसके बाद आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, तब तक आप ईमेल कर दीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ईमेल कर दीजिएगा आंसर शीट का, पूरा आंसर शीट का, है ना, उसके बाद फिर आप उसको 2 दिन में स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, 5 दिन का टाइम दिया हुआ है, एक साथ पूरा भेज दीजिएगा। और अक्टूबर में क्योंकि 10 तारीख तक कई लोगों का एग्ज़ाम है, उसके बाद कर सकते हैं। वाइट पेपर या ब्लैंक, वाइट पेपर या तो फिर लाइन वाला, तो इसे मैं बता चुका हूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें क्या है आपको डायरेक्टली उसमें लाइन वाला पेज भी मिल जाएगा कॉपी का, लेकिन A4 साइज का होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल जो दिया गया है उसी में एग्ज़ाम होने वाला है। रुचि दैट JK दीक्षित जी, आपको अपना उस कॉलेज के थ्रू मेल या फिर व्हाट्सएप में मैसेज आएगा कि उनका फुल एड्रेस और ईमेल क्या है, उसी पर आपको भेजना है फिर, ठीक है। 25 से 10 तारीख तक का टाइम आंसर लिखने के लिए, ये क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आया, 25 से 10 तारीख तक, तो ये जो है अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है कंटिन्यू सबका, 10 अक्टूबर को लास्ट है, सबका पेपर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जो टाइम टेबल दिया गया है उसी में एग्ज़ाम होगा, लॉकडाउन है तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, आपको घर बैठे एग्ज़ाम दिलाना है। अगर कॉलेज जाकर सबमिट नहीं करना है आपको, PDF लिंक दिए हैं वो अब ओपन हो जा रहा है, आप नीचे जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, दोनों साइड आंसर लिख सकते हैं। ईमेल आप लास्ट 5 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन जो भेजेगा अगर ईमेल उनको स्पीड पोस्ट भी करना पड़ेगा या डाक करना पड़ेगा, ठीक है, सारा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। BEd सेकेंड सेमेस्टर का कोई डिटेल नहीं आया हुआ है, डेली ईमेल नहीं करना है। ईमेल आईडी क्या होगी, तो आपको कॉलेज के थ्रू आपका उनका ईमेल आईडी आएगा। MA प्रीवियस का प्राइवेट है तो आपका यहाँ पर असाइनमेंट नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। आंसर शीट का कवर पेज के सबमिट के लिए दिए गए हैं, निर्देश के साथ ही प्रिंट निकालना नहीं है आपको, मेन पृष्ठ को करना है, निर्देश को पढ़ने के लिए है, मेन पृष्ठ को बस निकालना है और उसको
हर एक आंसर शीट में अलग अलग लगेगा और अलग अलग पूरा स्टेपल कीजिएगा, पांच आंसर शीट बनेगा अगर पांच पेपर होना है तो। दो घंटे के अंदर पीडीएफ बनाकर मेल करने वाला ऑप्शन हट गया है, 32 पेज से कम में आंसर कंप्लीट हो गया तो बाकी पेज नहीं डालना है, रहने दीजिएगा, खाली नहीं रखना है। जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उसी दिन ईमेल करना पड़ेगा क्या, ऐसा कोई ऑप्शन वहाँ पर रूल नहीं दिया गया है। 10 अक्टूबर तक ख़त्म हो रहा है तो 15 अक्टूबर तक आप भेज सकते हैं उसके 5 दिवस के अंदर। और आप जो है क्वेश्चन पेपर भी आप सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको लिंक जो है डायरेक्ट जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है या तो फिर क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्ट भेजा जाएगा, सब ऑप्शन है। मुख्य पृष्ठ का प्रारूप सभी क्लास जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनका सेम रहेगा। स्पीड पोस्ट क्या होता है, पोस्ट जो है पोस्ट ऑफिस से करते हैं, स्पीड इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा स्पीड पहुंचता है, जल्दी पहुंच जाता है डाक की अपेक्षा, 1-2 दिन पहले ही पहुंच जाता है, तो जल्दी से आपको पहुंचाना होता है तो आपको स्पीड पोस्ट करना होता है जो वजन के माध्यम से भेजाता है, 100 ग्राम तक ऐसा कुछ है, 40-35 रुपये ऐसा कुछ है। आंसर शीट क्या ला लिए हैं तो क्या करें, आंसर शीट आप लोग ले आए हैं तो उसी में आंसर लिखना है आपको, सामने का फ्रंट पेज को ओएमआर शीट को भर लेना है और उसी को, और मोड़ना ओड़ना नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है, उसी में देना है आपको एग्ज़ाम। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग लिफाफा लेना है या एक साथ 5 दिनों का एक साथ पोस्ट कर सकते हैं, एक साथ पोस्ट कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही साथ करना, जिनको आंसर शीट मिल गया है वो उसी वाले में कॉलेज में भरे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्या, फिर से न्यू पेज निकालना पड़ेगा रोल नंबर भरने करने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं भारती जी, आपको उसी में ही जो है आंसर लिखना है, ठीक है। सभी आंसर शीट को खुद जाकर जमा नहीं कर सकते हैं, ईमेल और डाक दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, डाक डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, स्पीड पोस्ट बस कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन भी तो बहुत लंबा है, 3 घंटा रहेगा एग्ज़ाम टाइमिंग, अब आप घर में बैठकर लिखेंगे वो 3 घंटा क्या देखेगा कोई भी, एग्ज़ाम में आंसर आप एकदम भर भर के बहुत ज़्यादा ज़्यादा मत लिखिएगा, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, एकदम भर भर के घर में बैठे हैं तो एकदम डिक्टो छाप दिए ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ के लिखिएगा, एकदम भर के मत लिखिएगा नहीं तो नंबर देखो भाई अब कैसे मिलता है वही लोग जाने। प्राइवेट मास्टर्स फाइनल वालों का पेपर कैसे जमा करना है, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही करना है, नोटिफिकेशन आया है उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से कमेंट कीजिएगा। सेम क्वेश्चन को अब मैं स्किप करते जा रहा हूँ। स्पीड पोस्ट कैसे करते हैं, आपको स्पीड पोस्ट कुछ नहीं, आपको लिफाफा में आंसर शीट को भर देना, जो एड्रेस दिया है वो लिखना है और लिफाफा में जो डिटेल लिखने बोला है वो लिखना है, सील पैक कर देना उसको और जाके डाक ऑफिस में चले जाना या पोस्ट ऑफिस में, उस स्पीड पोस्ट करना है बोल दीजिएगा, वो कर देगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में हो जाता है। अगर आपके गाँव में स्पीड पोस्ट होता है कि नहीं पहले पूछ लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आपको दूसरे गाँव में जाके करना पड़ेगा, हर एक जगह सुविधा फ़िलहाल अभी उतना नहीं है, पोस्ट ऑफिस में भीड़ होगा वो तो होना ही है। हाँ पूरा लास्ट पेपर में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब करना है। प्राइवेट पीजी का नहीं होगा क्या सर, प्राइवेट पीजी वालों का भी एग्ज़ाम होने वाला है। यूनिवर्सिटी के ईमेल एड्रेस पर कुछ भी नहीं भेजना है, एग्ज़ाम सेंटर में भेजना है, सब चीज़ एग्ज़ाम सेंटर में ही भेजना है आपको, ईमेल और एड्रेस आपको अभी आएगा मैसेज में आएगा। एग्ज़ाम सेंटर दुर्गा कॉलेज है और वो पास में ही है तो डाक पोस्ट करना पड़ेगा, हाँ आपको नहीं जाना है, कॉलेज जाने से मना कर दिया है। आंसर शीट सीधे एग्ज़ाम सेंटर में जमा नहीं कर सकते, आपको डाक करना पड़ेगा वहाँ पर, डाक में पैसा कम लगता है, स्पीड पोस्ट में ज़्यादा लगता है। स्पीड पोस्ट क्या होता है बहुत लोग पूछ रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कीजिए स्पीड पोस्ट कैसे करते हैं, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। कैसे पता चलेगा सेंड सक्सेसफुल हो गया, ये पता चलता है उसमें मैसेज आता है, उसके बाद वो ओपन नहीं करेंगे तो उसकी जवाबदारी होगी, साथ ही आप डाक तो करने वाले ही हैं तो आपको क्या परेशानी है। स्पीड पोस्ट के लिए कहाँ जाना होगा, पोस्ट ऑफिस जाना होगा, कहीं और कुछ नहीं जाना है, पोस्ट ऑफिस में होता है स्पीड पोस्ट, कुरियर जो होता है प्राइवेट वाला रहता है उसमें, इस पोस्ट ऑफिस में कुरियर भी हो जाता है, कुरियर का ज़्यादा चार्जेस लगता है। सब सब्जेक्ट का एक साथ पोस्ट कर दीजिएगा पूजा जी,
बीएड सेकेंड सेमेस्टर का कुछ नहीं आया है अभी डिटेल। आंसर शीट का A4 साइज पेपर ब्लैंक ले सकते हैं, लाइनिंग वाला भी ले सकते हैं। लाइनिंग वाला लेंगे तो उसमें मार्जिन खींच लेंगे, और A4 साइज का पेपर जो ब्लैंक वाला है उसमें भी लाइनिंग बना सकते हैं आप खींच कर, ठीक है, आपकी आवश्यकता अनुसार उसमें लिखा हुआ है क्लियर। ईमेल कैसे करेंगे, पूरे पेपर के बाद एक साथ सभी पेपर को ईमेल करना है या अलग अलग, एक साथ बना दीजिएगा उसमें, बट मेल करने की क्या ज़रूरत, आप तो डाक डायरेक्ट करने ही वाले हैं, पोस्ट कॉलेज जाके जमा नहीं कर सकते हैं। कुरियर करेंगे तो स्पीड पोस्ट से करेंगे, कॉलेज को पूरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एक एनवलप में डाल के कुरियर करो या स्पीड पोस्ट करो, दोनों अलग अलग है, ठीक है, कोई भी एक करो और पूरा एक ही को एनवलप में डाल, पूरा एक एनवलप में सबको डाल देना। वो जो डाउनलोड नहीं हो रहा है PDF, अभी मैं ठीक कर दिया उसको, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। 32 पेज कंपलसरी है, ये मैक्सिमम है, आपको ज़रूरत जितना होगी उतना ही करना है। 6 पेज पर आंसर अप्रॉक्स यहाँ पर उस हिसाब से 30 पेज बोला जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। पेपर क्यों ले रहे हैं कुछ मतलब, हटाओ उसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नोटिफिकेशन बताया, इसलिए एक क्वेश्चन है कि सीट को ईमेल के थ्रू जैसे कि सकें PDF बना के भी भेजना है, और ओरिजिनल जैसे अपना आंसर सीट को भी भेजना है। हाँ बिल्कुल, आप एक काम कीजिएगा, डायरेक्ट पांचों आंसर सीट या जितना भी पेपर होने वाला है उसको आप एक ही लिफाफा में बंद करके जो भी डिटेल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाकर फिर स्पीड पोस्ट या पोस्ट आप सिंपल डाक कुरियर के माध्यम से कर दीजिए। ईमेल और अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बना के भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो खुल नहीं रहा था PDF उसको मैंने क्लियर कर दिया, आप डाउनलोड करके देखिए। अगर नहीं हो रहा है तो bhumendradevangan@gmail.com पर मुझे मेल कीजिए कि PDF चाहिए, मैं सबको भेज दूंगा। पेपर के दिन ही अपलोड किया जाएगा क्वेश्चन पेपर, हाँ उसी दिन किया जाएगा जो टाइमिंग दिया है उसी टाइम में ही होगा। A4 साइज़ का क्या मतलब है, ललित कंसारी बोलते हैं, तो A4 साइज़ जो होता है 210x290 mm, या तो फिर 21 सेंटीमीटर गुना, मतलब लंबाई चौड़ाई के बता रहा हूँ साइज, गुना 29 सेंटीमीटर, इतना साइज होना चाहिए फिर कोई भी पेपर चलेगा, ठीक ठाक होना चाहिए। आई थिंक अभी इतना सब मिल, अच्छा एक जन का यहाँ पर आया है कि वो जो इन्वायरमेंट वाला होता है जो प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं उस वाले को भी यूज़ कर सकते हैं क्या, तो उस वाले में एक्चुअल में होता क्या है कि बॉर्डर बना दिया जाता है और उसके बाद लाइनिंग जो होता है अंदर में रहता है, इससे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कम स्पेस हो जाएगा आपको आंसर लिखने के लिए, तो आप देख सकते हैं उसको। असाइनमेंट आंसर शीट में डिफरेंस क्या है, आंसर शीट सेम है दोनों का, असाइनमेंट भी उसी में लिखना है, आंसर शीट भी वैसे ही लिखना है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो जब क्वेश्चन पेपर आएगा तब समझ आएगा। आपके बहुत सारे यहाँ पर कमेंट्स हैं, अभी ऑलरेडी आधा घंटा का हो चुका है वीडियो, तो आप लोगों का और भी है वो मैं डायरेक्ट कमेंट करके दे रहा हूँ। फिलहाल मेरे हिसाब से जो मेजर प्रॉब्लम था वो आपको क्लियर हो गया होगा, तो और भी जितना भी डाउट है आप नीचे लिखें, मुझे पता है बहुत लोग वीडियो को देखेंगे नहीं, लेकिन मैं जो है पूरा आंसर आपको दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लक्षांश कोचिंग क्लासेस।